राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एके किसान न्यूज यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेंथा को बढ़ाने के लिए कौन से जैम का प्रयोग करें और मेंथा में कितनी बार इसका प्रयोग करें और इसकी मार्केट में क्या कीमत है। इस वीडियो में इन टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, बात करें मेंथा में बढ़ाने के जैम के बारे में, तो उसका नाम है इफ्को कंपनी का सागरिका दानेदार। यह बहुत ही अच्छा जैम है जो मेंथे की पौधे की बढ़वार के साथ साथ मेंथे में नई शाखाएं निकालने का भी किसान भाइयों काम करता है। सागरिका दानेदार मेंथे की जड़ों का विकास भी करता है, इससे मेंथे का जो पौधा है वो मजबूत होता है तथा यह पोषक तत्वों को अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ ही पौधे को सूखे और रोगों से प्रतिकूल परिस्थितियों को लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को किसान भाइयों ये प्रदान कराता है। इससे मेंथे के पौधे का वनस्पतिक विकास किसान भाइयों सागरिका दानेदार से होता है। इससे मेंथे के खेत से हम उससे तेल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसकी प्रयोग की जब हम बात करें तो इसे मेंथा में दो बार प्रयोग कर सकते हैं। पहली बार आपने जब जड़ की बुवाई कर रखी है तो आप दानेदार सागरिका का प्रयोग 30 से 35 दिन की मेंथे की अवस्था पर आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने मेंथे के पौधे की रोपाई कर रखी है तो आप इसे पहली बार 10 से 15 दिन की मेंथे की रोपित की अवस्था पर यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर इस सागरिका दानेदार का प्रयोग मेंथा की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बार की जब हम बात करें तो सागरिका दानेदार दूसरी बार मेंथा में जब हमारी मेंथे की अवस्था लगभग 45 से 50 दिन की हो, उस समय आप दूसरी बार मेंथा में सागरिका दानेदार का यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सागरिका दानेदार की जब हम बात करें तो सागरिका दानेदार समुद्र जैव निष्कृत उत्पाद है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवण और विटामिन और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन्स, ऑक्सीजन, जेबलेनिक्स, साइटोकाइनिन, विटेन, मोनिटोल आदि सागरिका दानेदार में किसान भाइयों होते हैं, जो कि पौधे के बढ़वार में तथा पौधे के विकास में बहुत अच्छा खासा भूमिका निभाते हैं। अगर इसकी मार्केट में सागरिका दानेदार की 10 किलो के बैग की कीमत की जब हम बात करें तो यह सागरिका दानेदार 10 किलो का जो बैग है वो मार्केट में आपको 400 से 450 रुपए किलो मिल जाएगा। किसान भाइयों, इस साल अगर आप अपने मेहनते की फसल में बढ़ाने के लिए सागरिका दानेदार जैम का प्रयोग करते हैं तो उम्मीद करता हूं कि उस मेंथे की फसल से आप तेल का एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नेट पर, तब तक के लिए धन्यवाद।